और वैसे आप इसको देख के पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सी लोकेशन है, काफी सारी वीडियो शूट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह लाइट चली गई है और यूपीएस की आवाज आ रही है, टू टू टू। देखो आप सुन सकते हो भाई लोगों, फाइनली लाइट आ चुकी है और अभी बाहर चलते हैं और बाहर चल के थोड़ा घूमते फिरते हैं। कल से तो थोड़ा जल्दी उठे हैं, धीरे धीरे और जल्दी उठना चालू कर देंगे। तो भाई लोगों, सुबह सुबह सर्दी बहुत तेज है तो जैकेट मैंने पहन लिया है। चलो बाहर चलते हैं। भाई सुबह सुबह दो ग्लास पानी की पी लो और सब बढ़िया हो जाता है। ओहो भाई साहब, अपने सूरज चाचा फिर से ऊपर आ गए। आज है ना, ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है ना, इस वजह से। भाई इसको देखो, ये भी अपना चिल मार रहा है। मैं भी ऊपर चिल करने आया हूँ ना, तो ये भी अपना चिल मार रहा है, आराम से बैठा हुआ इधर और धूप सेक रहा है। भाई लोग कुछ भी कहो, यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। और इसमें चार चांद लगाती हैं यहाँ की खूबसूरती, जो ब्यूटी है आप जैसे देख सकते होंगे, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ देखो पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। कोई भी लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं, कोई भी ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हैं यहाँ पे। जो भी है नेचुरल है, बिल्कुल जैसे गांव में रहते हैं। और सुबह सुबह इसमें चार चांद लगा देते हैं चिड़िया, काफ़ी सारे जानवर होते हैं, वो भाई चहचहा रहे हैं। बहुत ही प्यारा जो साउंड है वो है। मैं थोड़ा साइलेंट रहता हूँ, आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आप उस चीज़ को सुन सकें। भाई लोगों, कैसा लगा आपको यहाँ का जो नेचर है, जो यहाँ पे सराउंडिंग्स हैं, वो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में लिखना ज़रूर आना कि आपको कैसा लगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब सुबह सुबह होती है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पिकॉक्स भी आते हैं। जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान में पिकॉक्स को बहुत अहमियत दी जाती है, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पिकॉक्स आया करते हैं। बट उसके लिए अपने को थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी धीरे धीरे अपने को टाइम अपना सुधारना पड़ेगा। तो मैं आपको ना, यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक्स आते हैं, बताता हूँ कहाँ पे आते हैं। जो पिकॉक्स है ना वो इधर आ जाते हैं सुबह सुबह, बहुत सारे पिकॉक्स, और हम उनको वो दाना नाखते दाना डालते हैं, वो दाना खाते हैं, और जो व्यू रहता है, जो देखने का रहता है ना, बड़ा मस्त रहता है। तो भाई लोग अभी काम करते हैं, हम भी थोड़ा सा वार्म अप शार्म अप कर लेते हैं। भाई ये तो नकली वार्म अप था, असली वार्म अप तो अब होगा, सिंपल सा ही होता है यार, देसी स्टाइल के अंदर ही। तो भाई लोगों चलो अब नीचे चलते हैं। तो भाई लोगों अभी तक तो मैंने आपको ऊपर ऊपर छत से ही दिखाया था, अब आपको एक बार नीचे का व्यू देता हूँ। तो भाई लोगों देखो, ये है ना, इसकी माँ जा रही है उस तरफ, वो देखो इसकी मम्मी जी जा रही है, तो ये देखो मेरे को भी जाना है ऐसा कर रही है। ओ ओ आ जाएगी मम्मी। ओ वाह यार, देखा, एक माँ से एक बेटी भी चढ़ती है तो कैसा होता है। ओ आया, इसको पाँव उठा। हे वाह वाह। तो भाई लोगों देखा कैसा वो रहता है, एक छोटा सा बच्चा है अभी भी आवाज़ लगा रहा है, आ जाएंगे वो। चलो ऊपर आगे चलते हैं अंदर। तो भाई लोग एक काम करते हैं, अब मैं भी थोड़ा फ्रेश फ्रेश होकर आ जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई लोगों मस्त नहा धो लिया है, काफ़ी सर्दी थी, ठंडा ठंडा लगा, मज़ा आ गया। तो भाई लोगों फाइनल कपड़े भी पहन लिए, अपने कपड़े ज़्यादा गंदे हुए नहीं थे तो वापस से वही पहन लिए, अच्छे भी लगते हैं मेरे को। ये वाली टी शर्ट मेरी बहुत फेवरेट है, आपने काफ़ी सारी ब्लॉग्स के अंदर देखा होगा कि मैंने यही सारी टी शर्टें पहनी हैं, तो इस टी शर्ट को पहन के बड़ा अच्छा सा फील होता है, इसलिए वापस से यही पहन ली। तो भाई लोग अभी मैं भूपेंद्र को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि भूपेंद्र की गाड़ी इधर ही रह गई थी, जो बुलेट थी वो इधर ही रह गई थी, और मैं उसको ड्रॉप करके आया था रात को, तो इसलिए अभी एक काम करते हैं, भूपेंद्र को लेने चलते हैं। अभी हम हमारी स्कूटी लेके जाएंगे। वाह यार, एक किक में चालू होगी।
तो भाई लोगों फाइनली मैं भूपेंद्र के घर पहुंच चुका हूं। अब भूपेंद्र का आने का इंतजार करते हैं। आ गए सरकार आ गए। हेलो भूपेंद्र, वो हमारी स्कूटी चलाएगा। क्या गया इसका? हाँ? क्या गया? अबे ये सेल्फ नहीं है, किक है, किक कर ले। पोपट हो गया, पोपट। ये सोच रहा सेल्फ है, सेल्फ नहीं, अपनी गाड़ी किक है यार। सुबह सुबह का वार्म अप है, एक्सरसाइज नहीं करता ना तू। गाइज ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसके लिए एक लाइक बनता है। गाइज ये लड़का खूब मेहनत कर रहा है, सुबह सुबह इसको किक मारनी पड़ रही है सर्दी के समय। चलो। वाह यार, हो गई एक बार में। तो भाई लोगों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, फिर आगे घूमने चलते हैं कहीं पे। क्यों? चलो ओके। तो भाई लोगों भूपेंद्र ने आते ही कंप्यूटर चालू कर लिया है। ये देखो इसको, मजे ले रहा है खूब, और कंप्यूटर चालू करके इंस्टा चला रहा है। और हमारा नाश्ता भी आ चुका है, नाश्ता खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। सुबह से शाम हो गई है और कंप्यूटर पे बैठे बैठे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा बाहर घुमा के लेके आते हैं, तो चलो बाहर चलते हैं। भाई लोग, हम हमारी सबसे पहली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र, इसको क्या कहते हैं? ये हमारे गांव का तालाब है। और वैसे आप इसको देख के पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सी लोकेशन है। मैंने यहाँ पे बैठ के काफ़ी रीलें शूट करी हैं और हुई हैं, यहाँ पे भी काफ़ी रील्स शूट हुई हैं। और यहाँ पे हम काफ़ी गेस्ट को लेकर आए हैं, उसमें से कौन से गेस्ट है भूपेंद्र, नाम बताना। यार एक तो शायद सौरभ भाई, हाँ अमित भाई, हाँ। और जो सनसेट का टाइम रहता है ना, यहाँ पे बड़ा मस्त सा व्यू बन जाता है और यहाँ पे पानी भरता है, ये पूरी जगह पे पानी भर जाता है। और इसमें हमने काफ़ी सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बनाई। जो पैराशूट वाली वीडियो है वो यहाँ पे थी, ग्लाइडर वाली वीडियो है वो यहाँ पे थी, एक वो रॉयल इनफील्ड के साथ अपन ने कार्ड जोड़ा था वो यहाँ पे थी, और भी काफ़ी सारी वीडियो हमने यहाँ पे बनाई है। और यहाँ की जो लोकेशन है ना, ये दिल से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे अभी खेतीबाड़ी चल रही है जैसा कि आप देख ही सकते हो, और यहाँ से हमारे को हमारे ऑफिस का व्यू भी देखने को मिलता है जो कि चार चांद लगा देता है। तो अभी यहाँ पे आई है तो 5-10 मिनट तो बैठना बनता है। बिल्कुल। भाई लोगों, आपको क्या लगता है ये पेड़ कितना पुराना है, कमेंट करके बताओ। देखो मैं इसका वो दिखाता हूँ नीचे का हिस्सा, आप कमेंट करके बताना ये कितना पुराना पेड़ है। तो भाई लोगों, चलते हैं किसी और लोकेशन पे और वहाँ पे चल के मिलते हैं आपको। तो भाई लोगों, फुल ऑफ रोडिंग चल रही है हमारी बुलेट से। देखो पूरा रास्ता है ना, जंगल ही जंगल के अंदर चल रहे हैं अभी अपन। तो भाई लोगों, अभी हम आ चुके हैं हमारी सेकंड लोकेशन पे, जिसको आपने हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा बार दिखा होगा। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे कारनामे करे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जगह। तो भाई लोगों, ये है वो हमारी वो जगह जिसे हम प्यार से आओ कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे इसमें दो कुएँ हैं, दो वेल्स हैं, बेरिया जिसे हम कहते हैं, और वो बेरिया ना पूरी पानी के अंदर डूबी हुई है, तो आजू बाजू से पूरी पानी से कवर हो रखी है और उसके अंदर भी पानी है, और उसमें हमने जंप भी करा था, अगर आपने हमारे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखे होंगे तो। और अभी जो पानी का लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है, पहले जो पानी था वो वहाँ तक भरा करता था। जब हमने हाउस बोट वाली वीडियो बनाई थी ना, तैरने वाला हाउस, तो पानी यहाँ तक भरा हुआ था, और अभी तो बहुत कम हो चुका है और धीरे धीरे ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर आपने हमारी वो फॉर्च्यूनर वर्सेस मर्ड वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि पानी कैसा हो जाता है और यहाँ पे दलदल हो जाता है। तो ये प्लेस हमारा सबसे बढ़िया प्लेस है, यहाँ पे हमने खूब इंजॉय करा है और खूब मस्ती करते हैं, और अभी भी हम आते हैं और आराम से बैठ के यहाँ पे चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो भाई लोग, चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ पे पहुँचने के बाद बताएंगे कि वो कौन सी। तो भाई लोग, फाइनली हम पहुँच गए हमारे सबसे बड़े ग्राउंड पे, जो कि ये है। देखो तो भाई लोग, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हमारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे गांव के जो नौजवान है यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और भाई उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे हेडपम्प भी लगाया हुआ है कि कोई थक जाए, जिसको प्यास लगे तो वो यहाँ पे आराम से रुक के पानी पी सकता है। चलने दे अभी हमारी गाड़ी, हमारा घोड़ा अंदर उतार रहे हैं हम। भाई जो सनसेट हो रहा है वो इसमें चार चांद लगा रहा है मस्त।
भाई लोगों, फाइनली हमने आपको सारी लोकेशन दिखा दी है, अब टाइम है घर चलने का। तो घर चलो, घर चलो। तो भाई लोगों, फाइनली अब हम हमारे घर पहुंच चुके हैं और ये थी हमारे गांव की कुछ सबसे बेस्ट शानदार लोकेशन जहां पे हमने काफ़ी काफ़ी सारी वीडियो शूट करी है। क्यों भूपेंद्र, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।